हेलो राम राम दोस्तों, मैं दीपू सिंह राजपूत और आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दीपू के ब्लॉग्स में। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ वो है दिल्ली के खारी बावली मिठाई पुल की, जो एशिया की बहुत बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी है और यहाँ पर बहुत सस्ते काजू बादाम किशमिश मेवा हर सामान ड्राई फ्रूट के मामले में मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो ठंडी आ रही है तो यहाँ पर ठंडी में लोग ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज करते हैं, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो में दिखाते हैं कि यहाँ पर ड्राई फ्रूट किस रेट के हिसाब से मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको यहाँ एक एक करके हर सामान का रेट बता देंगे। तो यहाँ पर वीडियो तो और बना रखा है, पर इससे सस्ता दुकान शायद और कोई नहीं होगी। तो एक एक करके हम सारे यहाँ काजू बादाम हर चीज़ का रेट आपको अभी हम बता देते हैं। तो अभी भाई से बात कराते हैं। भाई ये दुकान कितने बजे खुलती है? ये सुबह भाई साहब सुबह 5 बजे खुलते हैं और शाम में 9 बजे बढ़ाए जाते हैं। ये भाई साहब ने आपको बता दिया दुकान की टाइमिंग। तो ये रोज़ खुलती है या किसी किसी दिन? नहीं नहीं भाई साहब, ये डेली खुलते हैं। डेली खुलती हैं? तो ये भाई साहब ने बता दिया कि ये दुकान यहाँ पर डेली खुलती है। तो अभी एक एक करके हम आपको यहाँ का रेट बता देते हैं, फिर यहाँ का एड्रेस भाई से पूछ के बता देंगे। तो ये बादाम किस रेट के हिसाब से पड़ेगा भाई? ये बड़े भाई साहब बादाम 150 रुपये की 250 ग्राम है, 160 रुपये की 250 ग्राम है, 120 की 250 ग्राम है, 180 का 250 ग्राम है। तो आपने देख लिया एक एक करके भाई साहब ने सारे सामानों का यहाँ पर रेट बता दिया कि 150 रुपये, 120 रुपये और 250 रुपये के हिसाब से 250 ग्राम जो है यहाँ पर सारे चीज़ों का रेट बताते चल रहे हैं। और एक केजी पड़ेंगे 450 रुपये का, ये देख सकते हो 450 रुपये किलो के हिसाब से आपको पड़ जाएगा। और ये पड़ेंगे 550 रुपये का एक केजी, ये 550 रुपये यानी 550 रुपये किलो आपको पड़ जाएगा। और ये पड़ेंगे 600 रुपये केजी, ये 600 रुपये किलो पड़ जाएगा आपको, देख सकते हो। और ये पड़ेंगे 650 रुपये केजी, और ये 650 रुपये किलो बादाम मिल जाएगा आपको, जो कि यहाँ पर इतना सस्ता अलग जाओगे कहीं भी लेने तो इतना सस्ता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और सिर्फ ड्राई फ्रूट के लिए ही मंडी जानी जाती है। और ये क्या रेट है? ये काजू भाई साहब 150 रुपये का 250 ग्राम है। 150 रुपये का 250 ग्राम जी। किलो कितने का होगा? किलो भाई साहब ये पड़ेंगे 600 रुपये का, 600 रुपये किलो आपको काजू पड़ जाएगा। और ये 140 की 250 ग्राम है, 140 रुपये का 250 ग्राम हाँ, ये 550 रुपये के जी पड़ेगा, ये 550 रुपये किलो आपको पड़ जाएगा। आप देख सकते हो कि एकदम फ्रेश है, एक एक दाना आप देख सकते हो कि 550 रुपये किलो पड़ जाएगा आपको यहाँ पर। और ये एक रोड गिरी भाई साहब 180 का पाव है, 160 की पाव है, ये 180 रुपये पाव पड़ जाएगा आपको। और ये 160 की पाव, 160 रुपये पाव पड़ जाएगा। एक किलो 650 रुपये का है, 650 रुपये किलो। और पाव ये 600 रुपये के जी है, और ये 600 रुपये किलो, ताकि अगर किसी को एक किलो के लेना हो और पाव का रेट समझना है तो इसीलिए दोनों तरह का रेट आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। और ये क्या चीज़ है? ये भाई साहब पिस्ता है। पिस्ता हाँ, 200-280 रुपये का 250 ग्राम है, और किलो पड़ेंगे 1000 का, 1000 रुपये किलो पिस्ता पड़ जाएगा आपको यहाँ पर। और 250 ग्राम लेना हो तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब आपको किलो लेना हो या कम लेना हो, हर मतलब जितना लेना हो उतना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये क्या चीज़ है? ये भाई साहब किशोरी पिस्ता है। किशोरी पिस्ता हाँ, किशोरी पिस्ता। ये क्या रेट पड़ेगा? 120 की 100 ग्राम है, किलो 1150 रुपये है। 120 रुपये का 100 ग्राम है और किलो 1150 1150 रुपये किलो पड़ जाएगा आपको यहाँ पर। और ये क्या चीज़ है? ये भाई साहब है खुमानी। खुमानी हाँ, ये क्या रेट है? ये खुमानी भाई साहब आपको किलो पड़ेंगे 450 रुपये का, ये 450 रुपये किलो आपको खुमानी पड़ जाएगा यहाँ पर। और मतलब हर सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये अखरोट? ये अखरोट भाई साहब किलो है 300 रुपये का, ये है 400 रुपये का, ये है 450 रुपये का। ये आप देख सकते हो 300 रुपये और 400 रुपये, फिर 450 रुपये किलो के हिसाब से आपको यहाँ पर अखरोट मिल जाएगा। तो आपको हर तरह का सामान यहाँ पर मिल जाएगा एक एक करके। और ये लौंग क्या रेट है? लौंग भाई साहब 50 रुपये का 50 ग्राम है, किलो है 800 रुपये का, ये 50 रुपये का 50 ग्राम और 800 रुपये किलो के हिसाब से आपको यहाँ पर लौंग पड़ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि एकदम फ्रेश लौंग है यहाँ पर। और ये बड़ी इलायची है 50 रुपये का 50 ग्राम है, किलो पड़ेंगे 800 रुपये का, ये 50 रुपये का 50 ग्राम और 800 रुपये किलो पड़ जाएगा। बड़ी इलायची है जो कि गरम मसाला और हर चीज़ों में काम आता है। तो और ये छोटी इलायची है 100 रुपये का 50 ग्राम है और किलो पड़ेंगे 1600 रुपये का, 1600 रुपये किलो आपको छोटी इलायची पड़ जाएगी यहाँ पर। आप देख रहे हो जो मिठाई पुल पर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और हर सामान का रेट बता दे रहे हैं।
और ये जीरा है भाई साहब 50 का एक पाव है, किलो पड़ेंगे 180 रुपए का। ये 50 रुपए का पाव है, 50 रुपए पाव और 180 रुपए 180 रुपए केजी पड़ेंगे। 180 रुपए किलो के हिसाब से आपको यहाँ पर जीरा पड़ जाएगा। और ये काली मिर्च, ये काली मिर्च भाई साहब 120 की पाव, किलो पड़ेंगे 450। 120 रुपए पाव, 450 रुपए किलो के हिसाब से आपको यहाँ पर काली मिर्च मिल जाएगी। तो सारे सामान आपको लगभग यहाँ पर सस्ते मिल जाएंगे। और ये है सौंठ, सौंठ है भाई साहब 30 रुपए का 50 ग्राम है, पाव है 120 रुपए का। 30 रुपए का 50 ग्राम और 120 रुपए का एक पाव पड़ जाएगा आपको यहाँ पर। और ये क्या चीज़ है? ये दालचीनी है। दालचीनी ये दालचीनी आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी हम इसका रेट भी बता देंगे। रेट क्या है इसका? रेट है भाई साहब इसका है 150 रुपए का 250 ग्राम। 150 रुपए का 250 ग्राम। और एक किलो की क्या रेट पड़ता है? किलो पड़ेंगे 550 रुपए का। ये 550 रुपए किलो पड़ जाएगा आपको। जो दालचीनी यहाँ पर देख रहे हो तो हर तरह का सामान मिल जाएगा। और ये क्या चीज़ है? ये छबीला है, ये गरम मसाले में यूज किए जाते हैं। छबीला? हाँ छबीला। ये छबीला है जो गरम मसाले में यूज किया जाता है। इसका क्या रेट है? इसका प्राइस है भाई साहब 120 रुपए का 100 ग्राम। 120 रुपए का 100 ग्राम पड़ जाएगा आपको। और ये क्या चीज़ है? ये कबाब चीनी है। कबाब चीनी, हाँ। ये क्या रेट पड़ेगा? 120 रुपए का 100 ग्राम पड़ेंगे। 120 रुपए का 100 ग्राम कबाब चीनी पड़ जाएगा। ये भी गर्म मसाले में? हाँ, गर्म मसाले में ही यूज किया जाते हैं बिरयानी में, कोरमे में यूज करते हो, बिरयानी बनाना हो या कुछ भी, गर्म मसाले में यूज किया जाता है। और ये है पीपल 120 की 100 ग्राम। अच्छा, और किलो? किलो पड़ेंगे 1000 का। 1000 रुपए किलो आपको पीपल पड़ जाएगा जो 120 रुपए का 100 ग्राम पड़ेगा। और ये क्या चीज़ है? ये है जावित्री, गर्म मसाले का मेन आइटम होते हैं। ये आपको जावित्री दिखा रहे हैं जो गरम मसाले का मेन आइटम बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसका क्या रेट है? 120 की 50 ग्राम है, 2000 रुपए किलो। 120 रुपए का 50 ग्राम और 2000 रुपए किलो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि गरम मसाले का सबसे मेन चीज़ बताया जाता है यहाँ पर। और ये क्या चीज़ है? ये है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी, हाँ। ये क्या रेट है? ये है 40 रुपए का 100 ग्राम। ये कस्तूरी मेथी देख सकते हो आप, 40 रुपए का 100 ग्राम पड़ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप सामान खरीदने आते हो तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यहाँ पेटीएम भी कर सकते हो, ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर है और हर तरह से ख़रीदारी कर सकते हो। आपको फोन पे, पेटीएम, UPI कुछ भी चलाना हो तो यहाँ पर सामान की ख़रीदारी कर सकते हो। और ये ऊपर क्या चीज़ है? ऊपर है गोंद। गोंद, हाँ। ये क्या रेट है? ये 60 रुपये का 250 ग्राम। 60 रुपये का 250 ग्राम आपको यहाँ पर गोंद मिल जाएगा। और ये छोटा सा क्या है? वो है खसखस दाने, जिसको बोलते हैं पोस्ता दाना। ये खसखस दाने ये किस चीज़ में यूज होता है? एक जच्चे बच्चे में पड़ते हैं और सारी सब्जियों में पड़ते हैं, हर चीज़ में काम आते हैं। ये आप देख सकते हो जो जच्चा बच्चा या हर सब्जी वब्जी में यूज करते हैं लोग। ये क्या रेट पड़ेगा? 120 की 100 ग्राम। 120 रुपए का 100 ग्राम पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको सारा सामान मिल जाएगा। और ये क्या चीज़ है? ये चिरौंजी है। चिरौंजी आपको दिखा देते हैं, जो चिरौंजी बहुत महंगी बताई जाती है। अभी हम आपको यहाँ का रेट भी बता देते हैं। तो चिरौंजी का रेट क्या? 120 की 100 ग्राम। 120 रुपए का 100 ग्राम चिरौंजी मिल जाएगा आपको। और ये क्या चीज़ है? ये मगज। मगज है, हाँ। ये क्या चीज़? ये खरबूजे मगज है, ये 60 रुपए का 100 ग्राम। ये खरबूजे मगज है जो आपको 60 रुपए का 100 ग्राम पड़ जाएगा आपको यहाँ पर। तो इस हिसाब से आपको एक एक करके सारा सामान यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको हम सारा सामान दिखा दिए हैं, तो यहाँ ऑनलाइन सुविधा भी मौजूद है या कैश लेना हो हर तरह का मिल जाएगा। और ये आपको यहाँ पर हम किशमिश दिखा देते हैं। किशमिश क्या रेट है? किशमिश है 60 रुपए का 250 ग्राम है। 60 रुपए का 250 ग्राम, हाँ। 200 रुपए केजी। 200 रुपए किलो आपको किशमिश पड़ जाएगा आपको 60 रुपए का 250 ग्राम। और ये उससे छोटा किशमिश है? इससे छोटा किशमिश है 40 रुपए का 250 ग्राम। 40 रुपए का 250 ग्राम है। किलो क्या रेट पड़ेगा? किलो पड़ेंगे 150 रुपए। ये 150 रुपए किलो के हिसाब से आपको पड़ जाएगा। और ये एक केजी पड़ेंगे 180 रुपए का। ये 180 रुपए किलो के हिसाब से किशमिश पड़ जाएगा। और ये वाले? ये पड़ेंगे 240 रुपए केजी। ये 240 रुपए किलो के हिसाब से किशमिश पड़ जाएगा। तो आपको देख सकते हो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार वैरायटी की किशमिश यहाँ पर मिल जाएगी आपको। और सबका अलग अलग रेट है, तो आपको यहाँ पर हर फ्रेश माल आपको मिल जाएगा। और ये गरीगोला क्या रेट है? गरीगोले 200 रुपए केजी। ये 200 रुपए किलो के हिसाब से गरीगोला मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और ये मखाने? मखाने 150 रुपए का 250 ग्राम। ये 150 रुपए का 250 ग्राम मखाना मिल जाएगा आपको यहाँ भाई साहब की दुकान पर। तो यहाँ पर हर सामान मिल जाएगा और जो रेट हम आपको दिखा चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर आपको धनिया दिखा देते हैं कि धनिया किस रेट के हिसाब से। 80 रुपए के जी। 80 रुपए किलो, हाँ 80 रुपए किलो। ये 80 रुपए किलो के हिसाब से आपको यहाँ पर धनिया मिल जाएगा। और ये हल्दी क्या रेट है? हल्दी 80 रुपए के जी। ये हल्दी भी आपको 80 रुपए किलो के हिसाब से पड़ जाएगा। तो यहाँ आपको सारे सामान यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये छुहारा क्या रेट है? छुहारे भाई साहब 120 रुपए के जी है।
140 रुपये के जी है। ये 140 रुपये किलो के हिसाब से आपको छुहारा मिल जाएगा और ये 120 रुपये किलो के हिसाब से आपको छुहारा मिल जाएगा यहाँ पर, और हर तरह के। और 160 रुपये के जी है। ये 160 रुपये किलो के हिसाब से छुहारा मिल जाएगा, और ये जो दूसरा है 160 रुपये किलो है, ये 160 रुपये किलो के हिसाब से पड़ जाएगा। 140 रुपये के जी, ये 140 रुपये किलो के हिसाब से आपको छुहारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर काजू बादाम छुहारा और सारा सामान आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। भाई साहब से बात करा देते हैं कि इनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और दुकान के बारे में जो एड्रेस है अभी हम उनसे बात करा देते हैं। तो भाई साहब आपका कोई मोबाइल नंबर मिल जाएगा? मोबाइल नंबर है, बता दीजिए मोबाइल नंबर। 87 66 26 49 23। तो कार्ड वगैरह कोई? हाँ कार्ड वगैरह है। तो ये देख सकते हो कि आपको भाई साहब यहाँ पर कार्ड दिखा दिए हैं, में जो 3 नंबर है तो हम उसको डालकर और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको यहाँ पर ख़रीदारी करना हो तो आप यहाँ पर आके ख़रीदारी कर सकते हो और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। तो ये एड्रेस यहाँ पर क्या, मेन एड्रेस? अवंती वाई लोधी चौक कुल मिठाई। तो आपको भाई साहब ने यहाँ का एड्रेस भी बता दिया और भाई साहब का मोबाइल नंबर मैं डाल दूंगा। आपका नाम क्या? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी। तो आप देख सकते हो रमेश कुमार भाई के दुकान पर आकर आपको ख़रीदारी करना हो तो आकर यहाँ ख़रीदारी कर सकते हो। जो सुबह 6 बजे से खुलती है? हाँ, सुबह 5 बजे से लेकर शाम में 9 बजे तक। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक इनकी दुकान यहाँ पर खुली रहेगी और नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म कर। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है खारी बावली मिठाई पुल की। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर ड्राई फ्रूट किस रेट के हिसाब से मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ी मंडी है। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो जैसी भी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।